हाय एवरीबॉडी, चित्राज वर्ल्ड ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट लेकर आई हूं, जिसके लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉ। इसके एक एंड को हम खुला रखेंगे, दूसरे एंड पर हम बैलून बांधते हैं। बैलून बांधने के लिए हम या तो टेप का यूज कर सकते हैं या फिर हम रबर बैंड का यूज करते हैं। बीच में आप देख रहे हैं यहाँ सेंटर पर एक पिन लगा रखी है और इस पिन को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी रिफिल का एक पीस काट के रिफिल लगाया, रिफिल का पीस काट के रिफिल लगाई हुई है, खाली रिफिल। उसके बाद हम इसको धीरे धीरे ब्लो करेंगे। ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है, जिसका नियम है कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया उसके अपोजिट और बराबर होती है। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन विद इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर हमने जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, उसमें हमने देखा कि यहां से हमने जब इसमें एयर भरी थी, ब्लो किया था, उसके बाद बैलून में जब पूरी एयर भर गई, उसके बाद ये बहुत तेजी से यहां से हवा निकली और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेजी से घूम रहा था। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को पढ़ाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।